सभी के समय आता है और सभी के समय आएगा भी। कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी आगे नहीं है। सबसे पहले पृथ्वी पर सूर्योदय प्रशांत महासागर के द्वीप पर होता है, पर सूर्योदय 4 से 6 घंटे बाद सिंगापुर में भी होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिंगापुर पीछे है या सुस्त है। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया से 3 घंटे आगे है, परंतु इसका कतई मतलब यह नहीं है कि कैलिफोर्निया सुस्त है या न्यूयॉर्क तेज है, बल्कि सच्चाई यह है कि दोनों ही अपने समय क्षेत्र या टाइम जोन के अनुसार काम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश मुंबई से 2 घंटे आगे है, इसका यह भी मतलब नहीं है कि मुंबई पीछे छूट जाता है। आप सोचिए, खिलाड़ी तब सफल होते हैं जब उनके पास में ऊर्जा होती है, चपलता होती है। विराट कोहली जो आज हैं वो 10 वर्षों के बाद में नहीं होंगे, और तब किसी और का भी समय आएगा। भारतीय सिनेमा में आई नई लड़कियां बहुत लोकप्रिय होती हैं, बाद में उनका स्थान कोई और लेगा जो नए तरह से ग्लैमरस होगा। माधुरी दीक्षित का एक दिन था, आज की ग्लैमर की परिभाषा कुछ और ही है। समाज की बात करें तो हमें यहाँ कोई ऐसा भी मिलेगा जो अभी भी अकेला है, कोई ऐसा भी मिलेगा जो 10 वर्षों पहले विवाह के बंधन में बंध गया था और अब आकर उसे एक शिशु की प्राप्ति हुई है, और ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही बच्चे की प्राप्ति हो गई है। कोई 22 साल की उम्र में स्नातक हो गया है, लेकिन एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी पाने के लिए उसे 5 साल का इंतजार करना पड़ा। और कमाल की बात यह है कि देख सकते हैं कि कोई 27 साल में स्नातक हुआ, उसे तत्काल एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। कोई 25 वर्ष की आयु में स्नातक हुआ और फिर उसके 12 वर्ष रोजगार पाने के इंतजार में गुजर गए, फिर उसने जनता की सेवा की और वह एक संसद सदस्य है। कोई 25 वर्ष की आयु में किसी कंपनी का CEO बन जाता है और अपने पदानुक्रम के अनुसार बहुत ही आगे बढ़ जाता है। दूसरा व्यक्ति 30 वर्ष की आयु में IRTS बन जाता है और भारतीय रेलवे के संपूर्ण स्वरूप को बदलने का ही बीड़ा उठा लेता है, और लोगों ने उठाया भी है। विडंबना देखिए कि कोई IAS बनने के लिए 6 बार कोशिश करता है पर सफल नहीं हो पाता है, परंतु आज वैसा ही कोई व्यक्ति एक प्रतिष्ठित ई कॉमर्स कंपनी का संस्थापक है जिसकी शुद्ध पूंजी 6,000 करोड़ रुपये है। क्या यह किसी सफलता से कम है? हो सकता है आज कोई सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ले और इसके 15 सालों बाद वह उसी परिस्थिति में रहे, और कोई सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए लेकिन 15 वर्षों बाद वह संसद सदस्य बन जाए। किसी ने बहुत परिश्रम किया परंतु उसकी अंग्रेजी और गणित बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हिंदी शानदार थी। उन्होंने मेहनत तो बहुत की परंतु कभी भी सिविल सेवा परीक्षा नहीं पास कर पाए, परंतु वे निराश नहीं हुए और वह आज समाचार पत्रों के संपादक हैं जो किसी भी सरकार की नींव को भी हिला सकते हैं। हर व्यक्ति अपने टाइम जोन के अनुरूप काम करता है। लोगों के पास जो कुछ होता है वह उनकी गति के अनुरूप होता है, अतः हमें अपने टाइम जोन में ही काम करना होता है और काम करते भी हैं। आपके सहकर्मी, दोस्त, आपसे कम उम्र के लोग आपसे आगे निकलते दिखाई पड़ सकते हैं, परंतु कुछ लोग आपसे पीछे भी हो सकते हैं। कभी भी उनसे ईर्ष्या न करें, कभी भी उनका मजाक न उड़ाएं, यह उनका टाइम जोन है, आपका अपना टाइम जोन है। डोनाल्ड ट्रंप कभी माइक टाइसन के वित्तीय सलाहकार थे जब वह विश्व चैंपियन थे। आज टाइसन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और वह राष्ट्रपति ट्रंप है। धैर्य रखें, मजबूत भी बने रहें और अपने प्रति सच्चे बने रहें। सारी चीज़ें, सारी कायनात आपके अच्छे के लिए आपके साथ होंगी। आप बहुत विलंब नहीं हुए हैं, आप बहुत जल्दी भी नहीं हैं, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। सबसे सफल वे लोग नहीं हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में पास हो गए हैं, और वे सभी लोग जो सिविल सेवा परीक्षा में पास हो गए हैं वह भी अनिवार्यतः सफल भी नहीं हैं। कोई सिविल सेवा पास नहीं हो पाया लेकिन वह मात्र 30 साल की अल्पायु में संसद सदस्य बन गया। कोई सिविल सेवाएं छोड़ देता है लेकिन सिर्फ 4 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये कमा लेता है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि सिविल सेवा की तैयारी में काफ़ी वक्त बर्बाद किया, लेकिन इसकी तैयारी में मिला अनुभव उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षक बना देता है। कोई यह भी सोच सकता है कि वह दुर्भाग्यशाली था कि वह सिविल सेवा परीक्षा पास नहीं कर पाया, परंतु वह आज
किसी लाइव टीवी प्रसारणों का एक जाना पहचाना नाम है। यदि आप सिविल सेवाओं में सफल हो जाते हैं तो अच्छा है, यदि आप नहीं होते हैं तो और भी अच्छा है। आपका समय आएगा, आप इत्मीनान रखें, आप अपने टाइम जोन में हैं।